गणेश श्री गणेश। सर्वशक्तिमान गजासुर बन गया हूं मैं अमर। शांत हो जाइए। देवेश्री, त्याग दीजिए अपने क्रोध को। आपका यह उग्र रूप नहीं सह सकेगा यह संसार। घोर विनाश होगा, निर्दोषों के प्राण जाएंगे। सृष्टि के इस विनाश को बचा लीजिए। देवेश्वरी, इतनी कठोर तपस्या के पश्चात आपको संतान प्राप्ति का वरदान प्राप्त हुआ है। अपने जीवन की इस नवीन और शुभ यात्रा का प्रारंभ क्रोध और विनाश के आधार पर मत कीजिए देवी। धीरज रखिए देवी, वचन देता हूँ मैं भोलेनाथ को अवश्य ही लौटा कर लाऊं। देवी पार्वती, जगत के पालनहार श्री हरि अपना वचन अवश्य पूर्ण करेंगे। आपको शीघ्र ही भोलेनाथ का सानिध्य प्राप्त होगा। सुखद मिलन समीप है, कृपया अपने क्रोध को त्याग दीजिए देवी। देवी पार्वती, इस लेप से मंगल स्नान कीजिए और श्रृंगार कर अपने स्वामी की प्रतीक्षा कीजिए। पार्वती, लाओ हम तुम्हारी सहायता करते हैं। हाँ सखी, तुम चिंता मत करो। नहीं सखियो, आज मैं एकांत में ही स्नान करना चाहती। जब तक पुत्र कार्तिकेय अपने कर्तव्य को निभाकर लौट नहीं आता, आपको एक और पुत्र का सुख प्राप्त होगा। पिताश्री, आप मुझे भी एक वचन दीजिए कि मेरा अनुज मेरी ही भांति होगा, हम सभी को हर्षित करेगा वो। छवि चित्र मनोहारी
आकृति तो है किंतु नेत्र नहीं। नेत्रों के बिना मेरे मुख पर तुम्हारे लिए मेरे स्नेह को कैसे देख सकोगे? हो झलक दिखा करके तू क्यों छुप जाता? और मुख के बिना तुम हंसोगे कैसे? जो स्वादिष्ट पकवान मैं पकाऊंगी उसे खाओगे कैसे? अरे मैं तो तुमसे प्रश्न ही किए जा रही, किंतु भूल ही गई कि कान नहीं होंगे तो तुम मेरा स्वर कैसे सुन पाओगे? ये तुम्हारी नाक, हृदय नहीं होगा तो मेरे मन में तुम्हारे लिए अपार स्नेह को कैसे जान पाओगे? किंतु हृदय के लिए तो तन चाहिए। भुजाओं के बिना मेरा स्पर्श कैसे करोगे तुम? और पांव के बिना मेरे बुलाने पर दौड़ के कैसे आओगे? अब ये तो बताओ कि मुझे माँ कहकर कब पुकारोगे पुत्र? प्रभु मुझे एक ऐसी संतान का वरदान दीजिए जो ब्रह्मदेव की तरह ज्ञानी, आप ही की तरह तेजस्वी और निपुण, और मेरे स्वामी महादेव के समान निर्मल और स्नेही हो, अर्थात त्रिमूर्ति के समस्त गुण हो उसमें। तथास्तु। वो मेरा पुत्र होगा, शुभता का प्रतीक। मैं अधीरता से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ पुत्र, कब आओगे इस संसार में तुम? अपनी संपूर्ण शक्ति से मैं तुम्हें आशीष देती हूँ पुत्र। अब तुम यही विश्राम करो, मैं अभी आई। बताओ मुझको तुम हो कौन, तुम हो कौन?
माँ, मैं आपकी सेवा करने आपको सुख देने आया हूँ। आपकी संतान मात्र आपके लिए ही नहीं, वो तो समस्त जगत के लिए उपहार स्वरूप होगा। उमा, हमारे पुत्र को शीघ्र ही प्रस्थान करना होगा। क्या हुआ माँ, आपके मुख पर ये चिंता कैसी? मुझे बताइए माँ अपनी चिंता का कारण। इस संसार में मैं आपकी सभी चिंताओं को हरने ही तो आया हूँ। रहने दो पुत्र, अपनी इस मां का दुख जानकर तुम क्या करोगे? माँ, मुझे बताइए माँ, मैं आपके सभी दुख मिटा दूंगा। पुत्र, मुझे तो एक ही दुख है, मैं जिन पर भी अपना स्नेह न्योछावर करती हूँ वो सभी मुझे छोड़कर चले जाते हैं। स्वामी कहाँ? माता, प्रभु तो ये रहे। अपने अपने दायित्व निभाने में व्यस्त हो जाते। तुम भी मुझे छोड़ के चले जाओगे, मैं फिर दुखी हो जाऊंगी। माँ, मैं आपको छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगा, सदा आपके साथ ही रहूंगा, मैं ये वचन देता हूँ। चलिए, मेरा संपूर्ण संसार है। आओ, मेरी आंचल की छांव में समा जाओ। मातृत्व की पूर्णता का सुखद आभास हो रहा है। आप तो भोलेनाथ के स्वभाव से परिचित है ना देवी पार्वती, उन्होंने अपने भक्त गजासुर को सदैव उसके उदर में स्थित रहने का वरदान दिया है। स्वामी, किंतु स्वामी, आपके बिना मेरे सुख की गागर कैसे भर सकती है? आपके बिना तो मैं अधूरी, फिर मेरा सुख कैसे पूर्ण हो सकता है?
आप कहाँ हैं स्वामी? विश्व विजेता महिषासुर पुत्र गजासुर हूं मैं। तुम ये क्या कर रहे हो पुत्र? अभी बताता हूँ माँ। माँ, वैसे तो मेरी माँ का सौंदर्य समस्त संसार में अपूर्व है, किंतु यदि आप अपने केश में ये फूल जड़ लें तो आपकी सुंदरता और भी बढ़ जाएगी। तुम्हारा ये प्रेम भरा आग्रह मैं कैसे अस्वीकार कर सकती हूँ पुत्र? क्या कर रहे हो पुत्र? मैं क्या कर रहा हूँ माता? ये लीजिए। बाल विनायक पुत्र का अर्थ बताने आया, विघ्न के बादल माँ के मन से मिटाने पुत्र, मैं तुम्हें भोजन कराती हूँ। माँ, तनिक रुकिए माँ। क्यों, अब क्या हुआ पुत्र? आप अपनी पायल पहने बिना बाहर नहीं जा सकती। मैंने आपके लिए ये पायल चुनी है। कहाँ? यहाँ। लाओ पुत्र, मुझे दो, मैं पहन लेती हूँ। नहीं माँ, आप अनुमति दें तो मैं अपने हाथों से पहना दूँ। आपके चरण स्पर्श से मुझे आपका आशीष भी प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद माँ। आयुष्मान भव पुत्र। देवराज इंद्र, सर्वत्र संहार किया है मैंने, सब पर विजय प्राप्त की है, और जो सत्य संपूर्ण संसार में उजागर हो चुका है उसे तुम भी स्वीकार करो। अपने मुख से कह दो, कौन है त्रिलोक का अधिपति? लज्जावश शब्द नहीं निकल रहे हैं मुख से। मैं बताता हूँ, मैं हूँ गजासुर, त्रिलोक का अधिपति। महाराज गजासुर की, महाराज गजासुर की, महाराज गजासुर की, महाराज गजासुर की, महाराज गजासुर की। सावधान गजासुर। सावधान, अवश्य तुमने हम देवताओं को परास्त किया है, अवश्य तुमने हमें बंधक बनाया, किंतु त्रिदेव के समक्ष तुम्हारी शक्ति केवल एक नन्हे बालक के समान है। बालक? रस्सी जल गई किंतु बल नहीं गया। त्रिदेव कहाँ है? त्रिदेव बताओ, इतने ही शक्तिशाली हैं तो तुम देवताओं को मुक्त कराने यहां क्यों नहीं आए? सत्य तो यह है कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, उनकी आयु को ध्यान में रखकर मैं उन्हें उनका कार्य करने दे रहा हूं, किंतु वो दूसरा त्रिलोकी
वो कपटी विष्णु एक बार मेरे हाथ आ जाए तो मैं उसे मसल कर रख दूंगा, मसल कर रख दूंगा, ऐसे ऐसे ऐसे। और शेष बचे महादेव, उन्हें लेकर तो सभी व्यतीत हैं, कोई नहीं जानता वो कहां है। मैं आ गया हूँ सबकी विघ्न हरने।